आशीष और आप देख रहे हैं निक्स नाइन न्यूज। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम शिवपाल सिंह यादव को लेकर। बता दें कि आए दिन वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, यानी कि जब से विधानसभा चुनाव हुए तब से लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि सपा में उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही है तो भाजपा में जाने की सोच ली। अब भाजपा में हमने देखा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद तो ऐसे कयास होने लगे थे कि वो भाजपा में बस जाने ही वाले हैं, लेकिन इस मामले को खींचते खींचते भी लगभग 20 दिन हो चुके हैं लेकिन भाजपा में अभी तक नहीं गए। लेकिन अब खबर यहाँ सामने आई है कि आजम खान से मुलाकात के बाद, जो कि जेल में मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे, तो उस मुलाकात के बाद अब उन्होंने ये कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा और उनसे बहुत सारी बातें करूंगा कि आखिरकार क्यों आजम खान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो यही सारी बातें जानने के लिए सुनते हैं इस रिपोर्ट को। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। एक लैब खुलकर सामने आ रही है। सपा में दूरी और बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से मिलने पहुंचे। करीब सवा घंटा तक चली इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि आजम खान की मदद समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ये एक दुर्भाग्य है, समाजवादी पार्टी को मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आजम आज विधानसभा में सबसे सीनियर नेता और सपा के फाउंडर मेंबर भी है। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान लोकसभा के भी सदस्य हैं, ऐसे में नेताजी के अगुवाई में आजम खान का मामला रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा में सभी सदस्यों को लेकर धरने पर बैठ जाते तो प्रधानमंत्री ज़रूर संज्ञान लेते, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ शिवपाल ने बताया कि अब वह नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे और आजम खान की बात को रखेंगे। शिवपाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आजम खान की बात रखेंगे। संत हृदय अगर है तो इस पर वो ज़रूर विचार करेंगे, सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। आजम खान पिछले 2 सालों से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान का करीब 80 मुकदमे दर्ज हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे एक बार ही उनसे मिलने गए हैं और जिसके चलते आजम खान के समर्थक अखिलेश से नाराज़ हैं। चाचा और भतीजे के बीच की तकरार अब खुलकर सामने आ रही है। बुधवार को आगरा में पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा था कि जो बीजेपी से मिलेगा वह सपा में नहीं दिखेगा। इसके जवाब में गुरुवार को शिवपाल ने कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते। वही बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि उचित समय आने का फैसला लेंगे। तो वही जैसे कि आपने सुना है कि किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव यहाँ साफ तरीके से कहते हुए नजर आए कि आजम खान को अब जेल से बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर अखिलेश यादव कुछ काम करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ से खुद इस बारे में बात करूंगा, मैं उनसे मुलाकात करूंगा और उनको बताऊंगा कि किस उत्पीड़न से आजम खान जेल में रह रहे हैं, क्योंकि अब ये लगता है कि या तो जब आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे तो शिवपाल और आजम एक अलग खेमा बनाएंगे या फिर बीजेपी में जुड़ते नजर आएंगे। देखना लाजमी होगा कि क्या होता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पे।